कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार भी नहीं बढ़ाई गई हैं, जिसे लेकर राहुल ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल ने कहा कि जनता को अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें, देश में आखिरी बार 4 नवंबर 2021 को तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। उस दिन के बाद से आज तक एक बार भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। जानकारों का मानना है कि 7 मार्च के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब इसी वजह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तेल की कीमतों को लेकर तंज कसा। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से पिछले कुछ समय से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और चुनाव पूरे होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम के हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट तय किया जाता है, तो 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जानकारों का मानना है कि 7 मार्च के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के भी पार निकल गया है। इसके चलते भारत में जल्द ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने